अब यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुंडली की डिस्कशन होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस राखी सावंत. तो अब कहीं पे उनका कोई बॉयफ्रेंड या फियांसे या कोई कचरे वाला या आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी, कटरीना कैफ एंड मलाइका मुन्नी चुन्नी, पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं. आई थिंक कि राखी सावंत एक्सेप्ट फॉर हर कॉस्मेटिक सर्जन, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ पंगा हुआ ही रहता है. मजाक मेरा कोई उड़ा नहीं सकता, वो टिकेगा ही नहीं दुनिया में जो मेरा मजाक उड़ाएगा. मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत बैठ गई. अगर राखी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर होंगी तभी अपना सही पोटेंशियल जान पाएंगी. राखी सावंत अपनी जुबान पर दे ही नहीं सकती लगाम. इवन आफ्टर अ मैन किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ अ हार्श वर्ड्स, शी पोजेस इन सेक्सी अटायर एंड मेक्स डिग्स एट कैटरीना एंड मलाइका अरोरा. यहां तक कि शी इवन अटैक्ड आदित्य चोपड़ा एंड रानी मुखर्जी, और बेचारी कंगना रनौत की तो उन्होंने बैंड ही बजा दी. राखी सावंत के जो एसेंडेंट में जो सन और मार्स बैठा हुआ है वो उनको एकदम बर्निंग बनाता है नो, और वो बर्निंग टेम्परामेंट की वजह से कहीं भी ब्लास्ट हो जाती हैं. वो तो बहुत खुश हो रही है सुन के, और वो बोलेंगी मैं राखी सावंत एकदम बर्निंग हॉट सेंसेशन हूं. तो वो कालसर्प योग है उनको, उस वजह से ये सब होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि राखी अपनी थोड़ी बहुत कमियों को उबारे तो शी इज वेरी मेहनती. नहीं बट मुझे लगता है कि राखी बहुत खुश होती हैं जब ये सब होता है, तो वो कोई उपाय नहीं करना चाहेंगी. कहीं पे कंगना, कहीं पे मीका, शी इज अगेन यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग बट गेटिंग इनटू सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन एंड एवरीथिंग. शी इज वेरी हैप्पी एंड आई डोंट थिंक शी इज लुकिंग फॉर योर उपायज राइट नाउ.